हेलो वेलकम टू TNT। इस वीडियो में जानते हैं 22 अक्टूबर का इतिहास और कुछ प्रमुख जन्मदिन भी। यदि आपका भी आज जन्मदिन है तो करेंगे वो भी सेलिब्रेट, तो आइए तमाशा देखते हैं। 22 अक्टूबर 1836 सेन हाउटन टेक्सास गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने 22 अक्टूबर 1836 को। 22 अक्टूबर 1867 नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया की आधारशिला रखी गई 22 अक्टूबर 1867 को। 22 अक्टूबर 1875 अर्जेंटीना में पहले टेलीग्राफिक कनेक्शन की शुरुआत हुई 22 अक्टूबर 1875 को। 22 अक्टूबर 1881 बोस्टन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने पहला संगीत समारोह किया 22 अक्टूबर 1881 को। 22 अक्टूबर 1883 न्यूयॉर्क अमेरिका में ओपेरा हाउस का उद्घाटन हुआ 22 अक्टूबर 1883 को। 22 अक्टूबर 1962 भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल राष्ट्र को समर्पित की गई 22 अक्टूबर 1962 को। 22 अक्टूबर सन 2004 आंकटाड रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में निवेश में भारत 14वें स्थान पर था 22 अक्टूबर 2004 को। 22 अक्टूबर सन 2004 सीका सम्मेलन में सदस्य देशों ने आतंकवाद से मिलकर निपटने का संकल्प व्यक्त किया 22 अक्टूबर 2004 को। 22 अक्टूबर सन 2008 इसरो ने भारत के पहले चंद्रयान मिशन चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर सन 2016 भारत ने कबड्डी विश्व कप जीता यानी अपने नाम किया 22 अक्टूबर 2016 को। अब जानते हैं 22 अक्टूबर के कुछ जन्मदिनों के बारे में। 22 अक्टूबर 1964 भारतीय राजनीतिज्ञ अमित शाह का जन्म हुआ। 1988 भारतीय अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का भी जन्म हुआ। 1937 भारतीय अभिनेता कादर खान का जन्म हुआ और 1962 भारतीय अभिनेता अखिल मिश्रा का भी जन्म हुआ। इन सबको इनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज के दिन अगर आपका भी जन्मदिन है तो आपको भी आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। लक हैप्पीनेस लक सक्सेस हेल्थ और स्ट्रेंथ आपके जीवन में हमेशा संतुलित रहे। 22 अक्टूबर को जन्मे लोग राशि वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट के होते हैं, बहुत आत्मनिर्भर होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत डोमिनेंट भी होते हैं, प्रभावी स्वभाव के होते हैं। जरूरी नहीं आपकी राशि भी यही हो, आपकी राशि कुछ और भी हो सकती है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो आप चेक करवा लें। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में इतना ही। आप जानना चाहते अगर और भी दिनों का इतिहास तो इसी चैनल की प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी सारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।